हम बात कर रहे हैं RVNL की। आज के दिन की बात करें तो RVNL जो है फिलहाल हमको 2% के ऊपर की गिरावट के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 581.40 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब गिरावट आई थी उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि बाउंस बैक कर रहा है तो 600 का लेवल अब मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा RVNL के लिए, और देख सकते हैं स्टॉक उसी के आपास 600 के पास ही रिजेक्शन फेस करता हमको नज़र आ रहा है। जहां स्टॉक ट्रेड हो रहा है इसका इमीडिएट सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है 580 का लेवल। इसके ऊपर ही सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है RVNL को 600 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। अगर स्टॉक 580 के ऊपर सस्टेन होता है तो वैसे कंडीशन में फिर 600 के लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर गिरावट के साथ 580 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 570 से लेके 560 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। 560 का लेवल जहां गिरावट के साथ सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक हुआ था, ये इसके फिर मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करें टारगेट की तो इमीडिएट टारगेट 590, इसको ब्रेकआउट करके 600 का लेवल जहां से स्टॉक मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर 600 तक का जंप आता है तो 600 से बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, जैसे अभी हमको दिखा रहा है ऐसी गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर सेलिंग आती भी है तो 590 तक का फॉल चल सकता है, 590-584 के आसपास तक का चल सकता है, फिर यहाँ से स्टॉक अगेन बाउंस बैक करके 600 का लेवल ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है, इसके लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन एक और इसमें पॉजिटिव सिग्नल है कि 600 से रिजेक्शन के बाद उतना बड़ा सेलिंग, उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। हालांकि स्टॉक अपना 52 वीक हाई लगा चुका है, वहां से गिरावट है और अपने सेम सपोर्ट पर है। इससे पहले भी स्टॉक ने गिरावट पे इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था, अगेन सेम लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, तो बाउंस बैक के साथ 600 के ब्रेकआउट के पूरे चांस बन रहे। फिर भी हमने कुछ बात को डिस्कस किया है, अगर 600 का लेवल ब्रेकआउट कर गया RVNL तो नेक्स्ट टारगेट 620 और फिर 640 तक का जंप हमको इसमें देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ तक के टारगेट फिर दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।